वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग YCT रीजनिंग 2024 के इस बुक का संपूर्ण सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बुक और ये वीडियो और ये सीरीज जो दोस्तों हमारी है वो रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बुक का जो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं दोस्तों, कथन और निष्कर्ष पढ़ रहे हैं। कथन और निष्कर्ष दोस्तों बोले तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। इसका आज हम लोग दोस्तों पार्ट चार पढ़ेंगे और इस पार्ट चार में टोटल 121 नंबर से लेकर के 160 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, साथ में आप हमारे WhatsApp चैनल, Telegram चैनल, WhatsApp ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके द्वारा भेजे गए किसी भी डाउट डाउट का सोल्यूशन दिया जाएगा उसका। दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक क्लास नोट्स का हल सहित PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का पार्ट चार का। दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों यहां पे हमारा देख लीजिएगा पार्ट फोर का आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, और इस पे दिया गया है, कहा गया है कि कथन में गीता से रंजीत कहता है मीना के पास एक कुत्ता है। देखिए, गीता से रंजीत कहता है कि मीना के पास एक कुत्ता है। अब निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे ये दिया गया है, इस पे कहा गया है निष्कर्ष फर्स्ट में, रंजीत कुत्ते पालने का शौकीन है। तो देख लीजिएगा भाई, अब पहले बात समझना, यहाँ पे कहा है कि रंजीत कुत्ते पालने का शौकीन है। देखिए, क्या कुत्ते पालने का शौकीन, पालने का शौकीन शब्द यहाँ पे कहीं कथन पे हमको दिया गया है क्या कि रंजीत कुत्ते पालने के लिए शौकीन है, ऐसा तो कहा नहीं गया है। तो ये हमारा पहला निष्कर्ष जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आपको आई होगी। अब दोस्तों देख लीजिएगा, सेकंड निष्कर्ष में कहा कुत्ते को गीता को कुत्ते पसंद है। देखिए, गीता से रंजीत कहता है कि मीना के पास एक कुत्ता है। तो अब देखिए, इसमें कहीं ये तो कहा नहीं गया कि गीता को कुत्ते पसंद है, ये भी बात कहीं पे कथन पे दी ही नहीं गई है, ना तो ऐसा कहीं हमको समझ में आ रहा है कि गीता को कुत्ते पसंद है, ऐसा कहीं कथन में हमको लग रहा है क्या कि ऐसा कहा गया है कि गीता को कुत्ते पसंद है, नहीं कहा गया ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिये, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड, ये दिया गया है हमारा 121 का सी ऑप्शन पे, तो सी के साथ ये विकल्प राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 122 नंबर, और 122 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा यहाँ पे दिया गया है कथन पे कि प्रत्येक प्रारंभ का अंत होता है। देखिए, इसके कहने का मतलब है कि यदि कोई चीज प्रारंभ होगी तो उसका अंत भी होगा, बात सही है, ठीक है। निष्कर्ष में आ जाते हैं, करेक्ट, गर्मियां गर्म होती हैं। देखिए, गर्मियां गर्म होती हैं तो ये बात तो गलत है दोस्तों, कहीं भी ऐसा निष्कर्ष का जो निष्कर्ष में जो कहा गया कि गर्मियां गर्म होती हैं, कहीं भी ऐसा हमको कथन में नहीं दिया गया कि गर्मियां गर्म होती हैं, सर्दियां ठंडी होती हैं, तो सर्दी गर्मी की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं की गई है। तो दोनों ही निष्कर्ष हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है। 122 को देखेंगे तो विकल्प नंबर सी के साथ ये भी क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कथन में कि राम व्यस्त होने के बावजूद अपने मित्र के विवाह में शामिल होता है, रिश्ते निभाने के लिए होते हैं। देखिए, राम व्यस्त होने के बावजूद भी अपने मित्र के विवाह में शामिल होता है, रिश्ते निभाने के लिए होते हैं कहा गया है। अब देखिए, पहला जो निष्कर्ष दिया गया है, कहा गया कि राम रिश्तों को अच्छे से निभाता है। देखिए, यहाँ पे कहा भी गया है क्वेश्चन में कि रिश्ते जो होते हैं निभाने के लिए होते हैं। देखिए, इसमें कहा है कि राम रिश्तों को अच्छे से निभाता है, तो सही कह रहे हैं। देखिए, राम व्यस्त था फिर भी अपने मित्र के शादी में समारोह में शामिल हुआ है जाकर के, तो उसको रिश्ते निभाने के लिए होते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पे बात सही कही गई है, पहला निष्कर्ष राम रिश्तों को अच्छे से निभाता है, हाँ अच्छे से तो निभाता है, तभी तो अपने व्यस्त होने के बावजूद भी अपने मित्र के शादी में पहुंचा था, ठीक है ना, तो ये हमारा सही हो गया। अब दूसरा देख लीजिएगा, दिया क्या गया है कि राम अपने आप को हमेशा व्यस्त रखता है। देखिए, ये बात यहाँ पे गलत कह दी गई है, ऐसा तो कहीं कथन में कहा, राम भले व्यस्त हो लेकिन ये तो नहीं कहा गया कि राम अपने आप को हमेशा व्यस्त रखता है, ऐसा तो कहीं हमेशा शब्द नहीं दिया गया ना कि हमेशा व्यस्त ही रखेगा, तो ऐसा तो नहीं उसमें कथन में कहा गया, तो हमारे गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष प्रश्न करता है, यदि आ गया है बी ऑप्शन पे, तो 123 का दोस्तों देखेंगे
तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 124 नंबर और 124 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। कथन में कहा है कि रिंकी ने रेणु से कहा कि तुम्हारे मोबाइल में सभी नई विशेषताएं हैं। रिंकी जो है रेणु से कहती है कि तुम्हारे मोबाइल में सभी नई विशेषताएं हैं। अब निष्कर्ष में देख लीजिए, कह रहा रिंकी का तकनीकी ज्ञान अच्छा है। हाँ भाई, रिंकी को तकनीकी ज्ञान अच्छा होगा तभी तो रिंकी जो है रेणु का मोबाइल देख करके कहती है रेणु कि तुम्हारा मोबाइल जो है सभी विशेषताओं से ये संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, यानी कि तुम्हारा ये जो मोबाइल है ये सभी नई विशेषताओं से संपन्न है। तो ये बात यानी रिंकी को तकनीकी ज्ञान होगा तभी तो वो ऐसा बोली है, तो ये बात हमारा सत्य हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा देख लीजिए, कहा कि रिंकी को रेणु का मोबाइल पसंद आया। गलत कह रहा, देखिए यहाँ पे पसंद ना पसंद की तो बात ही नहीं की गई ना कि रिंकी को रेणु का मोबाइल पसंद आया, ऐसा तो कहीं पसंद ना पसंद की बात नहीं की गई ना, तो गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। 124 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 125 नंबर और यहाँ पे हमारा दिया गया है, रिंकी ने रेणु से कहा मैंने अब आपका नंबर नोट कर लिया है। रिंकी ने रेणु से कहा मैंने आपका नंबर अब नोट कर लिया है, आपका नंबर नोट कर लिया है, अधिक जानकारी के लिए मैं आपको कॉल करूंगी। ये कौन बोलती है? रिंकी बोलती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो देखिए, रिंकी ने रेणु से कहा मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है, अधिक जानकारी के लिए मैं आपको कॉल करूंगी। निष्कर्ष में कहा है रिंकी और रेणु सहकर्मी हैं। गलत कह रहा है, देखिए कहीं भी सहकर्मी रिंकू और रेणु हो सकता है, पता नहीं कौन सहकर्मी हो या ना भी हो, तो ये बात सही नहीं है। देखिए पहला हमारा जो निष्कर्ष दिया गया है वो सही नहीं होगा, अनुसरण नहीं करेगा कथन को। फिर कह रहा वे खरीदारी के लिए बाहर जा रही हैं, ये भी गलत कह दिया। देखिए कहीं भी कथन में ऐसा क्या कहा गया क्या कि वो खरीदारी के लिए बाहर जाएंगी, तो बाहर जाने से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं की गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड दिया गया है, डी ऑप्शन में निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। 125 का देखेंगे तो डी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 126 नंबर और यहां पे दिया गया, कहा गया है कथन पे यह युक्ति उपयोगी है। देखिए कह रहा है यह युक्ति उपयोगी है क्योंकि सभी अच्छी युक्तियां महत्वपूर्ण और उपयोगी होती हैं। कह रहा है यह युक्ति उपयोगी है क्योंकि सभी अच्छी युक्तियां महत्वपूर्ण और उपयोगी होती हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा अब निष्कर्ष में हमारा क्या दिया गया है, निष्कर्ष में कहा गया है कि यह युक्ति अच्छी है, तो हाँ बात सही कह रहा है। देखिए तभी तो कह रहा है यह युक्ति उपयोगी है, भाई अच्छी होगा तभी तो उपयोगी कहा गया है, तो बात सत्य है। फिर कह रहा है यह युक्ति उपयोगी नहीं है, देखिए इसने गलत कह दिया ना, कह रहा है यह युक्ति उपयोगी नहीं है, क्यों नहीं भाई उपयोगी है, तभी तो कह रहा है यह युक्ति उपयोगी, इसने साफ साफ कहा है ना, तो इसने तो कह दिया यह युक्ति उपयोगी नहीं है, तो गलत कह दिया ना। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 126 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 127 नंबर और यहाँ पे हमारा दिया गया है कथन पे कि उद्घोषक चिल्लाया वाह क्या बढ़िया बल्लेबाजी है। उद्घोषक चिल्लाया, क्या चिल्ला रहा है, वाह क्या बढ़िया बल्लेबाजी है। तो यहां पे दोस्तों अगर देखेंगे आप तो अब निष्कर्ष में पढ़ लीजिएगा, कह रहा पिच बढ़िया है, तो गलत कर रहे। देखिए यहाँ पे पिच बढ़िया होने की तो बात ही नहीं की गई है, बल्लेबाजी की बढ़िया होने की बात की गई है, पिच की तो बात अच्छी बढ़िया की नहीं की गई, तो इसलिए पहला तो निष्कर्ष गया काम से, नहीं गलत हो गया। फिर देखिए दूसरा कह रहा उद्घोषक प्रदर्शन को देख अभिभूत हुआ, ये बात सही है, तभी तो उसने ऐसा बोला वाह क्या बढ़िया बल्लेबाजी है, यानी कि प्रदर्शन को देख करके अभिभूत हो गया, कौन, उद्घोषक। तो सेकंड हमारा निष्कर्ष पालन करता है, ये दिया गया है बी पे। तो देखेंगे दोस्तों तो 127 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 128 नंबर और यहाँ पे हमारा दिया गया है कथन पे, कहा गया कि सर्टिफिकेशन कोर्स में उत्तीर्ण होने के लिए नरेश को कठोर परिश्रम करना चाहिए। देखिए सर्टिफिकेशन कोर्स में उत्तीर्ण होने के लिए नरेश को कठोर परिश्रम करना चाहिए। निष्कर्ष में कहा है कि नरेश सर्टिफिकेशन कोर्स पास करना चाहता है, नरेश जो है करा सर्टिफिकेशन कोर्स पास करना चाहता है। फिर देखिए अब यही समझिएगा, कह रहा सर्टिफिकेशन कोर्स में उत्तीर्ण होने के लिए नरेश को कठोर परिश्रम करना चाहिए, भाई हाँ कोई एक सर्टिफिकेशन कोर्स होगा उसमें पास होने के लिए नरेश को कठिन से कठिन मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। तो निष्कर्ष में कहा कि नरेश सर्टिफिकेशन कोर्स पास करना चाहता है,
भाई पास तो करना चाहता ही है तो, लेकिन उसके लिए उसको मेहनत भी तो करनी होगी तभी तो पास होगा। ऐसा तो यहाँ पे हमारा जो दिया गया ये हमारा पालन नहीं कर रहा है। देखेंगे दोस्तों तो 128 जो हमारा दिया गया है ये हमारा फर्स्ट निष्कर्ष इसका पालन नहीं करेगा। नरेश सर्टिफिकेशन कोर्स पास करना चाहता है, अरे पास तो करना चाह ही रहा है, सर्टिफिकेशन कोर्स उत्तीर्ण होने के लिए क्या करना चाहिए, नरेश को कठिन परिश्रम करना चाहिए ये बोलना चाहिए, ये गलत कह दिया है। ठीक है, नरेश कठोर परिश्रम के बिना उत्तीर्ण नहीं हो सकता है, ये सही कह रहा है। हाँ कि नरेश जो सर्टिफिकेशन कोर्स में कठिन परिश्रम के बिना पास नहीं हो सकता है। ये सेकंड जो दिया गया बिल्कुल सही दिया गया, देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 128 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 129 नंबर, और 129 नंबर में हमारा दिया गया है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक दिन के साथ बिजली महंगी हो रही है और अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी लोग और ऊर्जा का उपयोग करने में रुचि दिखा रहे हैं। निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया। अभी देखिए कथन में यह कहा गया है 129 नंबर में यह बात कही गई है कि प्रत्येक दिन, यानी कि प्रत्येक दिन जो हो रही है बिजली महंगी हो रही है और अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी लोग और ऊर्जा का उपयोग करने में रुचि दिखा रहे हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कि ऊर्जा के संभावित विकल्पों पर निर्भर होना हमेशा अच्छा होता है। ठीक है, यह बढ़ती बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सरकार के बोझ को कम करता है। ठीक है, पहला निष्कर्ष कहा है ऊर्जा के संभावित विकल्पों पर निर्भर होना हमेशा अच्छा होता है, सही कह रहा है दोस्तों, ये जो हमारा दिया गया है सही कह रहा है। प्रत्येक दिन के साथ बिजली महंगी हो रही है, अपनी बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी लोग और ऊर्जा का उपयोग करने में रुचि दिखा रहे हैं, तो ऊर्जा के संभावित विकल्पों पर निर्भर होना हमेशा अच्छा होता है, सही कह रहा है। यह बढ़ती बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सरकार के बोझ को कम करता है, ये भी बात सही कह रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 129 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 130 नंबर, और इसमें कहा है कथन में कि वाई ने अपने मित्र से कहा मेरे बच्चे हमारे बाग में खेल कर आनंद लेते हैं। वाई ने किससे कहा, वाई ने अपने मित्र से कहा कि मेरे बच्चे हमारे बाग में खेल कर आनंद लेते हैं। तो देखिए निष्कर्ष फर्स्ट में कहा है कि वाई के घर में एक बाग है। देखिए यहाँ पे क्या कहा, वाई ने अपने मित्र से कहा कि मेरे बच्चे हमारे बाग में खेलकर आनंद लेते हैं, मेरे बच्चे हमारे बाग में खेलकर आनंद लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि वाई के घर में एक बाग है। अब देखिए हाँ भाई बाग हो सकता है, तभी तो उसके बच्चे उसे हमारे ही बाग में खेल कर आनंद लेते हैं, तो ये बात दोस्तों सही कह रहा है। वाई के घर में एक बाग है, हाँ बाग तो बाग की संभावना है, बाग हो सकता है, तभी तो उसके बच्चे हमारे बाग में खेलकर आनंद लेते हैं, फिर कह रहा है वाई के बच्चे हैं, तो ये वाई के बच्चे तो सही कह रहा है। तो दोनों निष्कर्ष तर्क संगत है, यानी कि हमारा विकल्प नंबर बी पे देखेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया ये गया है 131 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि वंदना पूछती है विकास क्या आप अपनी पुस्तक उधार दे सकते हैं। वंदना पूछती है विकास क्या आप अपनी पुस्तक उधार दे सकते हैं। तो निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिए क्या कहा गया है, वंदना को विकास से एक किताब चाहिए, वंदना को विकास से एक किताब चाहिए। तो देख लीजिएगा हाँ भाई वंदना को विकास से एक किताब चाहिए, तभी तो बोल रही है कि विकास क्या आप अपनी एक पुस्तक उधार दे सकते हैं, तो सही तो कह रहा है, जो कथन में कहा है वही निष्कर्ष में भी कह दिया है। फिर देखिए दूसरा कह रहा है विकास के पास पुस्तक है जो वंदना को चाहिए, ये भी तो सही कह रहा है, विकास के भाई पास पुस्तक होगी तभी तो वंदना मांग रही है उधार के तौर पर। तो ये दोस्तों दोनों हमारे निष्कर्ष पालन करते हैं, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 131 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 132 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि रंजीत ने अपने दोस्त राकेश से कहा, रंजीत ने अपने दोस्त राकेश से कहा महेश के पास शानदार नौकरी है। रंजीत ने अपने दोस्त राकेश से कहा, रंजीत जो है अपने दोस्त राकेश से कहा महेश के पास शानदार नौकरी है। तो चलिए भाई देख लेते हैं महेश के पास कितनी शानदार नौकरी है, ये तो कथन की बात हो गई। अब निष्कर्ष में आ जाते हैं, महेश का काम लाभदायक है, तो सही कह रहा है, तभी तो यानी कि रंजीत ने अपने दोस्त राकेश से कहा कि महेश के पास शानदार नौकरी है, तो महेश का काम जो होगा वो लाभदायक ही होगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, कहा गया है कि राकेश महेश को जानता है,
अब ये बात क्लियर नहीं है कि राकेश महेश को जानता हो, ये क्लियर नहीं है तो इसको हम गलत कर देंगे। केवल निष्कर्ष प्रश्न अनुसरण करता है, देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है, तो 32 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 133 नंबर और 133 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि जेड ए से कहता है जब लोग अपराध देखते हैं तो लोग बोलने से डरते हैं। तो देखिए इसने क्या कहा, जेड ए से कहता है कि जब लोग अपराध देखते हैं तो लोग बोलने से डरते हैं। तो निष्कर्ष में कहा गया है, निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिएगा क्या कहा गया है, निष्कर्ष में ये कहा गया है कि जेड एक पत्रकार है। देखिए जेड को कहीं यहाँ पे क्या पत्रकार के लिए बताया गया है क्या, नहीं बताया गया ना, तो गलत हो जाएगा। जेड कहाँ इसमें कथन में क्या कहा है क्या कि जेड एक पत्रकार है, जेड के जेड को पत्रकार के बारे में तो बताया नहीं है कि जेड एक पत्रकार है, तो गलत कह रहा ना। फिर कह रहा ए जेड का मित्र है, देखिए ये भी बात यहाँ पे नहीं कही गई है, जेड ए से कहता है लेकिन ये नहीं कहा कि भाई ए जेड का मित्र है, गलत कह दिया ना, तो कोई नहीं पालन करता। देखिए ना तो फर्स्ट और ना ही इसका सेकंड पालन करता है। 133 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 134 नंबर और यहां पे दिया गया है कथन में कि इस आउटलेट में अधिकांश कपड़े पुराने फैशन के हैं। देखिए इसने ये कहा कि इस आउटलेट में अधिकांश कपड़े पुराने फैशन के हैं, तो देख लीजिएगा अब निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि दुकान के कुछ कपड़े अब फैशन में नहीं है, तो हाँ बात ये सही कह रहा है दोस्तों। देख लीजिएगा करा इस आउटलेट में अधिकांश, मतलब अधिकांश का मतलब दोस्तों जैसे अधिकांशता कपड़े पुराने फैशन के हैं, तो देखिए अब यहाँ पे ये कहा गया कि दुकान के कुछ कपड़े अब फैशन में नहीं हैं, तो बात सही तो कह रहा है, दुकान के कुछ कपड़े अब फैशन में ना होंगे भाई, दुकान जल्द ही बंद होने वाली है, ये गलत कह दिया। देखिए क्या यहाँ पे कथन में कहीं दुकान बंद होने की बात कही गई है, नहीं कही गई ना, तो ये गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष प्रश्न अनुसरण करता है दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 134 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 135 नंबर और 135 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया है कि एक नोटिस दर्शाता है कूड़ा मत फैलाओ। देखिए यहाँ पे एक नोटिस दर्शाता है कूड़ा मत फैलाओ, कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें। यहाँ पे एक नोटिस दर्शाता ये है कि एक नोटिस दर्शाता है कूड़ा मत फैलाओ, कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें। 135 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा, अब जो अब निष्कर्ष में दिया गया है, निष्कर्ष में दिया गया लोग अक्सर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। देखिए लोग अक्सर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, ऐसा पालन न करने के लिए इसमें कथन में दिया गया है क्या कि एक नोटिस दर्शाता है कूड़ा मत फैलाओ, कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें, लोग अक्सर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। तो देखिए क्या ऐसा लिखा है कि लोग निर्देशों का पालन नहीं करते, तो गलत कह रहा है ना, तो देखिए हमने इसको गलत कर दिया। फिर कह रहा लोग नोटिस पढ़ते हैं और निर्देशों का पालन करते हैं, ये बात सत्य है, लोग नोटिस पढ़ेंगे और निर्देशों का पालन करेंगे। और फिर ये हमारा देख लीजिए केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ये हमारा 135 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे 135 के बाद हम लोग देखेंगे 136 नंबर और यहाँ पे दिया गया है कि कथन में कि प्रवलिका, प्रवलिका कक्षा 10 में पढ़ती है, क्या प्रवलिका अपनी सहपाठी प्रणीता से आयु में बड़ी है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रवलिका कक्षा 10 में पढ़ती है, क्या प्रवलिका अपनी सहपाठी प्रणीता से आयु में बड़ी है, तो देख लीजिएगा अब यहाँ पे हमारा निष्कर्ष क्या दिया गया है, कहा गया कि हाँ चूंकि प्रणीता प्रवलिका की सहपाठी है इसलिए प्रणीता उससे छोटी है। देखिए ये बात बिल्कुल पूरी तरह से गलत हो जाएगी। गलत क्यों हो जाएगी, कहीं भी क्वेश्चन में यानी कथन में ऐसा नहीं कहा गया कि प्रवलिका बड़ी है या दोस्तों उसकी सहपाठी प्रणीता बड़ी है, ऐसा कहीं कथन में वर्णन किया गया है, इनकी छोटाई बड़ाई के बारे में नहीं वर्णन किया गया ना, तो आप कैसे बता सकते हैं कि इसमें से कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो नहीं बता पाएंगे ना, तो इसलिए हमने इसको गलत कर दिया। ठीक है अब दूसरा निष्कर्ष देख लीजिएगा, दूसरा कह रहा है नहीं चूंकि प्रणीता प्रवलिका की सहपाठी है इसलिए प्रणीता उससे बड़ी है, ये भी गलत कह रहा है। देखिए भले सहपाठी हो लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है, उसमें ऐसा तो कहीं बताया ही नहीं गया कि भाई सहपाठी होने के नाते ये बड़ी हो जाएगी फलाने छोटे हो जाएंगे, तो ऐसा तो कहा नहीं गया, तो ये दोनों ही निष्कर्ष हमारे पालन नहीं करेंगे। तो देख लीजिएगा ये दिया गया है ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड सी ऑप्शन पे, तो 136 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 137 नंबर और यहाँ पे कहा है कथन पे कि वाई से एम ने कहा, देखिए वाई से एम ने कहा कुत्ते बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, वाई से एम ने कहा कुत्ते बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, तो अब निष्कर्ष में आ जाइए,
वाई ने कुत्तों को देखा, देखिए वाई ने कुत्तों को देखा सही तो कह रहा, वाई से एम ने कहा, वाई से कौन कह रहा, एम कहता है कुत्ते बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, तो दोस्तों यहां पे सही तो कह रहा वाई ने कुत्तों को देखा होगा, ठीक है भाई। फिर कुत्ते की बच्चों के साथ दोस्ती है, हाँ भाई कुत्ते की बच्चों के साथ दोस्ती होगी तभी तो कुत्ते बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, दोस्ती होगी तभी तो खेलना पसंद करते हैं, तो दोनों निष्कर्ष सही है, देख लीजिएगा दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड पालन करते हैं। 137 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 138 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है 138 नंबर पे देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे हमारा कहा गया है कि काफी समय से यह देखा जा रहा है कि स्कूल जाने वाले बच्चे टेलीविजन के उत्सुक एवं अधिक नियमित दर्शक बनते जा रहे हैं, और इसके परिणाम स्वरूप समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या में गिरावट आई है। अब निष्कर्ष में कहा है समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या बढ़ाने का तरीका खोजा जाना चाहिए। फिर कह रहा है समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या पर टेलीविजन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की टीम को अन्य देशों में भेजा जाना चाहिए। देखिए अन्य देशों में विशेषज्ञों की टीम को अन्य देशों में भेजा जाना चाहिए, क्या कहीं ऐसा हमारा दिया गया है कथन पे कि विशेषज्ञों की टीम बना करके उसको अन्य देशों में भेजना चाहिए, ऐसा तो कहीं कथन में दिया नहीं गया है, ये हमारा गलत हो जाएगा। एक बार पहला निष्कर्ष फिर से पढ़ते हैं, कहा है कि समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या बढ़ाने का तरीका खोजा जाना चाहिए। यहाँ पे कहा गया था काफी समय से यह देखा जा रहा है कि स्कूल जाने वाले बच्चे टेलीविजन के उत्सुक एवं अधिक नियमित दर्शक बनते जा रहे हैं, और इसके परिणाम स्वरूप समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या में गिरावट आई है। तो देखिए समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या बढ़ाने का तरीका खोजा जाना चाहिए, देखिए भले संख्या में गिरावट आई हो पाठकों की संख्या में, तो उनको बढ़ाने का तरीका खोजा जाना चाहिए, तो खोजा तो जाना चाहिए, लेकिन कहीं इसमें वर्णन किया गया है कि पाठकों की संख्या की गिरावट हो रही, तो चलो भाई उसको हम बढ़ाने की तरीका ढूंढते हैं, ऐसा तो भले पाठकों की संख्या में गिरावट आ रही लेकिन उसको बढ़ाने की यहाँ पे बात नहीं की जा रही ना, कथन में कहीं बढ़ाने की बात की जा रही नहीं की जा रही, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो देखिए ना तो फर्स्ट ना ही इसका सेकंड आंसर करता है, सी पे दिया गया है 138 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 139 देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा गया है कि एम एस राजमौली एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं, वह बहुत बुद्धिमान है। देखिए एम एस राजमौली एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं, वह बहुत बुद्धिमान भी हैं कह रहा है। अब देखिए निष्कर्ष में देख लीजिएगा, कहा गया कि सभी निर्देशक बहुत बुद्धिमान है, गलत कह दिया। देखिए यहाँ पे जो सभी शब्द लगा दिया है इसलिए गलत हो गया। देखिए यहाँ पे तो केवल एम एस राजमौली एक अच्छे निर्देशक हैं, वह बहुत बुद्धिमान है, तो केवल एम एस राजमौली की बात की जा रही, यहाँ पे करिए सभी निर्देशक, जितने भी निर्देशक होते होंगे सबका सब बहुत बुद्धिमान होंगे, तो ऐसा तो कहीं हमारा कथन में कहा नहीं गया, सभी शब्द लगने की वजह से गलती हो गई है दोस्तों। अगर कह देता एम एस निर्देशक बहुत बुद्धिमान है तो सत्य हो जाता, लेकिन सभी लगा दिया इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से दूसरा निष्कर्ष हमारा देख लीजिएगा क्या दिया गया है, दूसरा कहा गया कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति बहुत अच्छे निर्देशक हैं। देखिए ये भी बात गलत कह दिया है, देखिए इसने कहा कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति, यहाँ पे सभी बुद्धिमान व्यक्ति बहुत अच्छे निर्देशक है, जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति होंगे सबका सब बहुत अच्छे निर्देशक होंगे, तो गलत कह रहा ना, ऐसा तो हमारा हो ही नहीं सकता, यहाँ पे ऐसा कथन में तो कहा ही नहीं गया। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड ये दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 139 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 140 नंबर, और इसपे कहा गया है 140 नंबर पे कहा गया कि पुराने विचारों को नए विचारों में परिवर्तित करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं, पुराने विचारों को नए विचारों में परिवर्तित करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो निष्कर्ष में कहा है केवल परिवर्तन एक चीज है जो कभी परिवर्तित नहीं होती है। अब देखिए केवल परिवर्तन एक चीज है जो कभी परिवर्तित नहीं होती, तो ये दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया क्या गया है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा, केवल परिवर्तन एक चीज है जो कभी परिवर्तित नहीं होती है, तो सही तो कह रहा है, जो कथन में कहा गया वही कथन से हमारा ये वाक्य हमारा मैच कर रहा है। निष्कर्ष हमारा फर्स्ट कह रहा पुराने विचारों को हटाएं क्योंकि वे पुराने हो चुके हैं, गलत कह रहा है, देखिए पुराने विचारों को हटाएं क्योंकि पुराने हो गए, पुराने होने का मतलब कि उनको हटा ही नहीं, तो ऐसा गलत कह रहा ना, तो यहाँ पे ये हमारा केवल देखेंगे केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, दिया गया है दोस्तों 140 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे 141 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कथन पे कैक्टस का तना मोटा होता है, क्या दोस्तों कैक्टस का तना मोटा होता है और इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। देखिए कैक्टस का तना मोटा होता है और इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है,
निष्कर्ष में आ जाएंगे। कह रहा मोटे तने वाले सभी पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, गलत कह दिया। देखिए इसने ये कह दिया कि सभी जो शब्द लगा दिए, कह रहे मोटे तने वाले, क्रम मोटे तने वाले जितने भी प्रकार के पौधे होंगे उनको सबको पानी की कम आवश्यकता होगी, तो गलत कह दिया ना। यहाँ पे तो केवल कह रहा है कैक्टस का तना मोटा होता है, कैक्टस एक स्पेशली बताया गया है कि कैक्टस का तना मोटा होता है और इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। इसने तो कह दिया मोटे तने वाले जितने भी प्रकार के पौधे होंगे सबके लिए पानी कम लगेगा, तो गलत कह दिया ना, जो सभी लगा दिया इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कैक्टस उन जगहों पर उगता है जहां कम पानी होता है, तो देखिए ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। अगर दूसरा देखेंगे तो हमारा 141 का अगर दोस्तों देखेंगे तो दूसरा करेक्ट, कैक्टस उन जगहों पर उगता है जहां कम पानी होता है। तो देखिए कैक्टस को हम जानते हैं कम पानी की आवश्यकता होती है तो वहीं वो उगाएगा, तो ये हमारा दूसरा सही कह रहा है। तो देखेंगे केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है दिया गया बी ऑप्शन पे, तो 141 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 142 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कथन पे कि अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि के मद्देनजर सरकार ईंधन की कीमत पर मौजूदा नीति की समीक्षा करेगी। देखिए अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि के मद्देनजर सरकार ईंधन की कीमत पर मौजूदा नीति की समीक्षा करेगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे पहला निष्कर्ष हमारा दिया गया है, कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि के बाद सरकार ईंधन की कीमत में वृद्धि करेगी, तो बात दोस्तों सही कह रहा है। फिर कह रहा अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि के बाद भी सरकार ईंधन की कीमत में वृद्धि नहीं करेगी, तो ये अगर दोस्तों देख लीजिएगा, अब देखिए अगर इसको हम गलत कर देते हैं, इसको गलत कर देते हैं तो ये सही हो जाएगा, अगर हम इसको गलत कर देते हैं तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए दोनों चीजें हमारी कथन से मैच हो रही है। देखिए कह रहा है अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि मद्देनजर, अगर हम अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि हो जाए तो सरकार ईंधन की कीमत पर मौजूदा नीति की समीक्षा करेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है अगर अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि के बाद सरकार ईंधन की कीमत में वृद्धि करेगी, तो भाई बिल्कुल जायज सी बात है, जब ईंधन की मतलब सरकार ईंधन की कीमत में वृद्धि कर देगी, अचानक वृद्धि होने के बाद सरकार ईंधन की कीमत में वृद्धि करेगी, तो सही का अगर इसको हम सही मान लेते हैं। दूसरा देख लीजिए अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि के बाद भी सरकार ईंधन की कीमत में वृद्धि नहीं करेगी, तो हो सकता है सरकार ना भी वृद्धि करे, हो सकता सरकार भी वृद्धि कर दे, अगर अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में मतलब अगर वृद्धि करेगी तो दोस्तों देख लीजिए, अगर मान लीजिए वृद्धि करेगी तो ये सही हो गया, अगर कह रहा कीमत में वृद्धि नहीं करेगी तो ये भी गलत हो जाएगा। मान लीजिएगा ये अगर अगर ये वृद्धि करेगा तो सही होगा, नहीं वृद्धि करेगा तो गलत हो जाएगा। अगर हो सकता देखिए वृद्धि नहीं करेगी, मान लीजिए वृद्धि नहीं करेगा तो ये सही हो जाएगा, अब वृद्धि नहीं करेगा तो ये गलत हो जाएगा। तो देखो सुन देख लीजिएगा, या तो ये आइदर आर बन रहा है, ये हमारा इस कंडीशन को हम क्या बनते हैं, या तो फर्स्ट, ये हमारा बन जाएगा आइदर आर, यानी कि आइदर आर में या तो फर्स्ट या तो सेकंड अनुसरण करता है, ऐसा दोस्तों देख लीजिए कहीं पे दिया है क्या, बिल्कुल दिया है दोस्तों, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो सेकंड पालन करता है, डी ऑप्शन पे। तो 142 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 143 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया क्या गया है कथन पे, कथन में कहा है कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, कह रहा बहुमत का शासन होता है, तो ठीक है भाई लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, तुम्हारा कथन में कहा है। निष्कर्ष में कहा है लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुत से चुने जाते हैं, भाई बिल्कुल सही है, लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, तो बहुमत का मतलब दोस्तों बहुत सारे लोग, बहुमत का शासन होता है, तो इसने सही तो कहा है लोकतंत्र में उम्मीदवार बहुत से चुने जाते हैं, सही कह रहा है। फिर कह रहा है लोकतंत्र में कानूनों में संशोधन संसद में बहुमत द्वारा किया जाता है, ये भी तो सही कह रहा है, लोकतंत्र में कानूनों में संशोधन संसद में बहुमत द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों ये भी बात सही, दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। यहाँ पे 143 को देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 143 के बाद हम लोग देखेंगे 144 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कथन पे कि एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए, एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वे बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। निष्कर्ष में कहा गया है, देखिए निष्कर्ष में अब यहाँ पे ये कह दिया गया है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं। देखिए इसने तो गलत कह दिया, जो सभी शब्द लगा दिया इसलिए गलत हो गया, इसने तो ऐसा कहा नहीं कि एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वे बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। इसने कह दिया सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं, तो गलत कह दिया, सभी लगा दिया इसलिए गलत हो गया, ठीक है ना।
अब देखिए सेकंड में देख लीजिएगा, इसमें कहा है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में काफी सक्षम होते हैं। सभी बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, कह रहा सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में काफी सक्षम होते हैं। 144 का दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा जो सेकंड वाला है यही बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए सेकंड कह रहा सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में काफी सक्षम होते हैं। देखिए ये तो कह रहा है ना, सभी एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वे बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। तो केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर करता दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 144 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 145 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। 145 में देखेंगे कि अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए निष्कर्ष में कहा है कि स्वतंत्रता और अनुशासन रहित लोगों के कारण समाज को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वतंत्रता और अनुशासन रहित लोगों के कारण समाज को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये दोस्तों जो कहा गया है ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो सही कह रहा है ना। देखिए कथन में भी कहा है कि अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यही बात यहां भी कह दिया, स्वतंत्रता और अनुशासन रहित लोगों के कारण समाज को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सही कह रहा है। दूसरा देख लीजिए, समाज में किसी को भी स्वतंत्र और अनुशासन नहीं है, तो गलत कह दिया ना, ये जो नहीं शब्द लगा दिया है ऐसा तो है नहीं, समाज में किसी को स्वतंत्रता और अनुशासन नहीं है, गलत कह दिया ना। केवल निष्कर्ष दोस्तों देखेंगे तो हमारा ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 145 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 146 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कथन में कहा गया है कि अपने दैनिक मजदूरी श्रमिकों से मालिक कहते हैं देर से काम करने वालों को दिन के लिए अपना काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। कह रहा है अपने दैनिक मजदूरी श्रमिकों से मालिक कहते हैं देर से काम करने वाले को दिन के लिए अपना काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। निष्कर्ष में कहा गया है, निष्कर्ष में कहा गया है दोस्तों देख लीजिएगा कि दैनिक मजदूरी श्रमिकों को दिन के अंत तक आवंटित कार्य को पूरा करने की उम्मीद है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि दैनिक मजदूर होंगे दोस्तों, उनको दिन के अंत तक में जो काम दिया गया होगा उसको पूरा करने की उनको पूरी उम्मीद है, आवंटित कार्य को पूरा करने में उम्मीद है, यानी कि दिए गए काम में, आवंटित मतलब जो मालिक द्वारा दिया गया काम है तो वो श्रमिकों को दिन के अंत तक में पूरा करने की उनको उम्मीद है कि हम भाई शाम तक में यानी या अपने अंत समय के अंत दिन के अंत तक में हम काम को पूरा कर लेंगे। फिर कह रहा है देखिए तो सत्य हो गया, देर से काम पर आने वाले हैं जिनको मालिक संबोधित कर रहे हैं, गलत कराकर है, जो देर से काम आने वाले हैं उनको मालिक संबोधित कर रहे हैं। संबोधित कहाँ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको और चेतावनी दे रहे हैं कि भाई अगर आप समय से काम नहीं पूरा करते हैं तो आपको अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा काम पूरा करने के लिए। तो ये संबोधन कहाँ हुआ, ये तो उनको और चेतावनी दी जा रही है तो ये संबोधन नहीं होगा। केवल निष्कर्ष दोस्तों फर्स्ट हमारा अनुसरण करता है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 146 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के लिए क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा 147 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि भारत और श्रीलंका के बीच एक T20 क्रिकेट मैच में भारत द्वारा बनाए गए कुल रन 250 हैं, इनमें से 180 रन गेंदबाजों द्वारा बनाए गए थे। अब देख लीजिएगा यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो कह रहा 70% टीम गेंदबाजों से बनी है, 70% टीम जो है कह रहा टीम बनने के लिए बात करिए, यहाँ पे रन बनने की बात बताई गई। देखिए कह रहा कुल रन 250 हैं, इनमें से 180 रन गेंदबाजों द्वारा बनाए गए थे। तो देखिए यहाँ पे रन की बात की जा रही है और यहाँ पे इसने कह दिया 70% टीम गेंदबाजों से बनी है, तो गलत कह दिया ना। अगर यहाँ पे कह देता 70% रन गेंदबाजों से बने हैं तो एक बार यहाँ पे क्या हो जाता, हमारा सत्यता में आ जाता, लेकिन यहाँ पे कह रहा टीम गेंदबाजों से बनी है तो गलत कह रहा। जो 11 प्लेयर को जो टीम होती है वो कह रहा 70% उसमें जो व्यक्ति हैं वो गेंदबाज हैं, बाकी 30% जो होंगे वो बैट्समैन होंगे, तो ऐसा तो वहां पे कहा नहीं गया, तो गलत कह दिया ना, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा देखिए स्ट्राइक बल्लेबाज गेंदबाज थे, देखिए यहाँ पे ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया कि जो स्ट्राइक लेंगे जाकर के जो तो वो गेंदबाज वाले बल्लेबाज जाकर के स्ट्राइक लेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना तो निष्कर्ष सेकंड दिया गया है 147 का सी ऑप्शन पे। तो 147 का हमारा सी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 148 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है
कथन पे कि सभी सुनियोजित व्यक्ति आराम के लिए समय निकालते हैं। देखिए सभी सुनियोजित व्यक्ति आराम के लिए समय निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि रमेश अपने व्यस्ततम कार्यों के बावजूद आराम के लिए समय निकालता है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमारे कुल मिलाकर के देखिए निष्कर्ष में जो दिया गया है। अब पहले अभी तक तो हमने कथन पढ़ा है, अब कथन एक बार अगर चाहे तो आप फिर से पढ़ लीजिएगा भाई। कथन आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो और निष्कर्षों में जो कहा गया है वो अगर कथन पे मिलता होगा तो सही करेंगे, अन्यथा हम इसको सही नहीं करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कहा गया है कि सभी सुनियोजित व्यक्ति आराम के लिए समय निकालते हैं। रमेश अपने व्यस्ततम कार्यों के बावजूद आराम के लिए समय निकालता है। निष्कर्ष में कहा रमेश एक सुनियोजित व्यक्ति है, तो सही तो कह रहा है रमेश एक सुनियोजित व्यक्ति। इसने कहा ना सभी सुनियोजित व्यक्ति आराम के लिए समय निकालते हैं। देखिए सभी सुनियोजित, सभी लगा दिया ना तो इसमें मतलब रमेश भी तो आ जाएगा, सभी जो भी होंगे सब सभी के लिए कह दिया, तो रमेश हो चाहे दिनेश हो चाहे कुछ भी हो, यानी कि सब। इसने कहा रमेश एक सुनियोजित व्यक्ति, तो सही तो कह रहा है, हमारा पहला सत्य हो गया। रमेश एक परिश्रमी व्यक्ति है, तो हाँ भाई रमेश अपने व्यस्ततम कार्यों के बावजूद आराम के लिए समय निकालता है, तो रमेश एक परिश्रमी व्यक्ति भी तो है, ठीक है। देखिए दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। 148 को देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 149 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है 149 नंबर पे इस पे कहा गया है इसमें कि अनुशासन लागू करने के लिए ट्रकों का तुला चौकी पर वजन किया जाता है, और यदि वे अतिभारित होते हैं तो उन पर 6000 का जुर्माना लगाया जाता है। देखिए कह रहा अनुशासन को लागू रखने के लिए ट्रकों को तुला चौकी पर, ट्रकों को एक तुला चौकी बनी है उस पर ट्रकों को वजन किया जाता है। यदि वे अतिभारित होते हैं यानी कि भार से अधिक होते हैं, उनको जो एक मानक होगा उस मानक से उनका भार ज्यादा निकलता है तो उन पर 6000 का जुर्माना लगाया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। अब हम निष्कर्ष में आएंगे। करा ट्रक मालिकों द्वारा सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, इसलिए सरकार इसे लागू करना चाहती है, तो सही कह रहा है भाई ट्रक मालिकों द्वारा सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाए इसलिए सरकार इसे लागू करना चाहती है, सही कह रहा है। फिर कह रहा है सरकार ट्रक मालिकों की परेशानियां नहीं समझ रही है। देखिए सरकार जो ट्रक मालिकों की परेशानियां नहीं समझ रही है, ऐसे तो कहीं बात कथन में कही नहीं गई है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है जो कि दिया गया है ए पे। तो देखेंगे दोस्तों 149 का हमारा ए विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 150 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कथन पे दुकान के एक नोटिस में लिखा है। देखिए दुकान के एक नोटिस में लिखा है हम शहर में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले चावल बेचते हैं। देखिए दुकान के एक नोटिस में लिखा है हम शहर में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले चावल बेचते हैं। एक दुकान में नोटिस में लिखा कि हम शहर में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले चावल बेचते हैं। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कह दिया गया है, निष्कर्ष में कह दिया है कि कोई भी इस दुकान से सबसे अच्छे चावल प्राप्त कर सकता है, कोई भी इस दुकान से सबसे अच्छे चावल प्राप्त कर सकता है। भाई सभी नोटिस जो लगा है दुकान में तो कोई भी जाके ले सकता है, तो बात तो सही तो कह रहा है, ये हमारा जो हो जाएगा सही कह रहा है। भाई जब दुकान में एक नोटिस लगा है भाई जो अपना नोटिस पढ़ो जिनको पसंद आए तो भैया सब कोई जाके ले सकते हो, उसमें किसी को पाबंदी तो है नहीं, इसलिए तो नोटिस लगाया है कि शहर में सबसे अच्छे गुणवत्ता वाले चावल यहाँ पे बिकते हैं, भैया जिनको लेना है आके ले जाओ, तो इसमें कोई बाउंडेशन तो है नहीं भाई नहीं आपको नहीं लेना है आपको लेना है, तो ये इसमें कहा कोई भी इस दुकान से सबसे अच्छे चावल प्राप्त कर सकता है, सही कह रहा है। फिर कह रहा है कोई भी अन्य दुकान अच्छी गुणवत्ता वाले चावल नहीं बेचती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो कहा है ये गलत कह दिया है ना, कह रहा कोई भी अन्य दुकान अच्छी गुणवत्ता वाले चावल नहीं बेचती है, तो दोस्तों भाई अब नहीं बेचती है इसने कह दिया है, तो ये बात तो यहाँ पे कथन में कही नहीं गई है कि अदर कोई यहाँ पे बेचने वाला है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो हमारा जो 150 का हो जाएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 150 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई राय सुझाव हो तो भी आप अपना हमें मूल्यवान अपना कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों आप बताए आपके द्वारा यदि कोई भी
प्रॉब्लम हो या इस मतलब किसी भी क्वेश्चन पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे से वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए इन सभी का लिंक से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक चाहिए तो उन बुकों का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिल जाएगा। हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके द्वारा भेजे गए डाउटेड को भी वहां पे क्लियर किया जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको ग्रुप में जुड़ने से। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और दोस्तों सीरीज में और इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे से आने वाली जो वैकेंसियां, अपकमिंग वैकेंसियां हैं एनटीपीसी, ग्रुप डी और जेई, इन सभी के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 151 नंबर और 151 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा, आजकल विवाह समारोहों में बहुत तेज डीजे संगीत बजते हैं और जिसके आसपास के लोग परेशान हैं। अब देखिए निष्कर्ष में कहा है, इन दिनों विवाह में डीजे संगीत काफी लोकप्रिय है। सही तो कह रहा भाई, भाई इन दिनों में विवाहों में क्या होता है, डीजे जरूर बजता है, ये लोकप्रिय है दोस्तों। कारण विवाह समारोहों में बहुत तेजी डीजे संगीत बजते हैं और जिसके आसपास के लोग परेशान होते हैं, तो भाई ये हमारा लोकप्रिय है इसलिए लोग बजाते हैं। तो ये हमारा सही कह रहा है, जैसा इसने निष्कर्ष में कहा वही कथन पे हमारा भी मैच हो रहा है। फिर कह रहा है किराएदार शांत इलाके पसंद करता है, किराएदार शांत इलाका पसंद करता है। देखिए ये भी हमारा दोस्तों जो दिया गया ये भी सही कह रहा, किराएदार जो होता है वो शांत इलाका पसंद करता है। हमारा विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो ये डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। 151 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 152 नंबर और यहाँ पे हमारा दिया गया है कथन पे कि अफ्रीका के ज्यादातर लोग कुपोषण से पीड़ित हैं, अफ्रीका के ज्यादातर लोग कुपोषण से पीड़ित हैं। अब निष्कर्ष में कहा गया है, देख लीजिएगा निष्कर्ष में क्या कहा गया है, कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। देखिए जब अफ्रीका में ज्यादातर लोग कुपोषण से पीड़ित हैं तो सरकार को इसमें कड़ा कदम उठाना चाहिए जल्दी से जल्दी। दोस्तों सही कह रहा है, हमारा फर्स्ट निष्कर्ष सत्य है। फिर कह रहा है लोगों को अच्छा और स्वस्थ भोजन खाने के लिए कहा जाना चाहिए। दोस्तों देखिए कथन में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि लोगों को अच्छा खाना खाने पर ये हमारे जो कुपोषित लोग हैं ठीक हो जाएंगे, तो ये हमारा कथन में मौजूद नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है 152 का, विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 153 नंबर और यहाँ पे हमारा दिया गया है कथन में कहा गया है कि ARRAHMAN बहुत अच्छे संगीत निर्देशक हैं, वे बहुत ही सृजनशील हैं। देखिए ARRAHMAN बहुत अच्छे संगीत निर्देशक हैं, वे बहुत ही सृजनशील हैं। तो देख लीजिएगा निष्कर्ष में क्या दिया गया है, कह रहा संगीत सभी संगीत निर्देशक बहुत अच्छे होते हैं। देखिए इसने जो सभी लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, इसने ये केवल ARRAHMAN की बात की गई है, इसने तो कह दिया सभी संगीतकार बहुत अच्छे होते हैं, सभी संगीत निर्देशक बहुत अच्छे होते हैं, तो गलत कह दिया ना, सभी जो लगा दिया इसलिए गलत कह दिया। अगर कह देता ARRAHMAN निर्देशक बहुत अच्छे मतलब संगीतकार हैं तो ये हमारा सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ पे सभी लगा दिया इसलिए गलत हो जाएगा। अब कह रहा ARRAHMAN सृजनशील रचनाओं का निर्माण करते हैं, तो सही तो कह रहा, केवल निष्कर्ष हमारा डी सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अंतरण करता है 153 का, विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 154 नंबर और यहाँ पे कहा गया है 154 नंबर पे हमारा ये दिया गया है, इसपे कहा गया है कि इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब के CEO ने कहा मिगुएल, देखिए इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब के CEO ने कहा मिगुएल एंजेल पुर्तगाल को उनके सहायक गोंजालो यार्जा द्वारा आने वाले सीजन में स्टैनलियंस की महिमा के लिए तैयार करने की तैयारी में शामिल किया जाएगा। निष्कर्ष में कहा है कि CEO का मानना है कि नया कोच टीम के प्रदर्शन में वृद्धि करेगा। हाँ सही कह रहा है दोस्तों, तभी तो उसने कहा है, देखिए उसने मिंगुएल एंजेल पुर्तगाल को उनके सहायक गोंजालो यार्जा द्वारा आने वाले सीजन में स्टैनलियंस की महिला के लिए तैयार करने की तैयारी में शामिल किया जाएगा। तो ये सही कह रहा, CEO का मानना है कि नया कोच टीम को प्रदर्शन में वृद्धि करेगा। फिर देख लीजिएगा दूसरा कह रहा है CEO चाहता है कि आने वाले सीजन के लिए फुटबॉल टीम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। सही कह रहा है दोस्तों, तभी तो ऐसा कर रहा है। तो दोस्तों दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो दोस्तों 154 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 155 नंबर, और यहां पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है कथन पे कुछ कंपन होने पर, देखिए कुछ कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, कुछ कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, स्पंदन कर रही वस्तु के द्वारा इसके आसपास की वस्तुओं अथवा माध्यम में भी कंपन होता है। देखिए 155 का देखेंगे तो यहां पे कहा है कि कुछ कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, स्पंदन कर रही वस्तु के द्वारा इसके आसपास की वस्तुओं अथवा माध्यम में भी कंपन होता है। अब निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, निष्कर्ष में कहा गया है कि माध्यम से उनका मतलब केवल वायु है। देखिए गलत कह दिया, इसमें तो कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया कि माध्यम का मतलब केवल वायु से है, तो वायु जो लगा दिया है ये माध्यम का मतलब केवल वायु से है, केवल जो शब्द लगा दिया है इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न की जाती है, ये सही कह रहा है, ध्वनि हमारा कंपन के द्वारा ही तो उत्पन्न की जाती है, जो यहाँ पे केवल लगा दिया इसलिए गलत हो गया, केवल हमारा सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, ए ऑप्शन पे दिया गया है। 155 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 156 नंबर, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा है कि कथन में हमारा कार्यालय छठी मंजिल पर स्थित है, यदि बिल्डिंग में दो से अधिक मंजिल हो तो उसमें एक लिफ्ट होनी चाहिए। कह रहा हमारा कार्यालय छठी मंजिल पर स्थित है, यदि बिल्डिंग में दो से अधिक मंजिल हो तो उनमें एक लिफ्ट होनी चाहिए। निष्कर्ष में कह रहा है पहली मंजिल से अंतिम मंजिल तक प्रत्येक तल पर लिफ्ट से पहुंचा जा सकता है। सही कह रहा है भाई, देखिए यहाँ पे कहना हमारा कार्यालय छठी मंजिल पर स्थित है, यदि बिल्डिंग में दो से अधिक मंजिल हो तो उसमें एक लिफ्ट होनी चाहिए। देखिए इसने कहा ना पहली मंजिल से अंतिम मंजिल तक प्रत्येक तल पर लिफ्ट से पहुंचा जा सकता है, तो सही कह रहा है। पांचवी मंजिल में लिफ्ट नहीं है तो गलत कह रहा है, जब पहली मंजिल से अंतिम मंजिल तक पहुंचा जा सकता है तो पांचवी मंजिल में लिफ्ट क्यों नहीं होगी, तो हर जगह जाएगी, पांचवी में भी जाएगी, चौथी में जाएगी, छठी में जाएगी और दूसरे तीसरे सब में जाएगी दोस्तों, तो हमारा ये गलत कह दिया, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। 156 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 157 नंबर, और 157 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि एक समाचार पत्र कंपनी के अध्यक्ष निदेशक मंडल और राज्यों को संबोधित करते हैं, मुख्य समाचार पत्र के साथ साप्ताहिक पत्रिका जोड़ने का विचार अतिरिक्त आय जनरेट करेगा और पत्रिका की सामग्री के लिए नए विचार का स्वागत करेगा। निष्कर्ष में कहा है कि अध्यक्ष साप्ताहिक पत्रिका शुरू करने के विचार का प्रस्ताव करता है, वह टैबलाइट में समाचार सामग्री के लिए निर्देशक मंडल से सुझाव आमंत्रित कर रहा है। देखिए इसने कहा अध्यक्ष साप्ताहिक पत्रिका शुरू करने के विचार का प्रस्ताव करता है, सही कह रहा है। देखिए इसने कहा ना मुख्य समाचार पत्र के साथ साप्ताहिक पत्रिका जोड़ने का विचार अतिरिक्त आय जनरेट करेगा और पत्रिका की सामग्री के लिए नए विचार का स्वागत करेगा, तो ये हमारा पहला तो सही हो गया। फिर कह रहा वह टैबलाइट में समाचार सामग्री के लिए निर्देशक मंडल से सुझाव आमंत्रित करेगा, ये कहा ना एक समाचार पत्र कंपनी के अध्यक्ष निर्देशक मंडल और राज्यों को संबोधित करते हुए मुख्य समाचार पत्र के साथ दोस्तों यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दो, ये भी राइट हो जाएगा, तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 157 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 158 नंबर, और 158 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि एक स्थानीय स्कूल साक्षात्कार के बुलावे के लिए स्थानीय समाचार पत्र में एक विज्ञापन प्रकाशित करता है, प्रशिक्षित शिक्षक जिनके पास कम से कम 3 साल का अनुभव हो आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए निष्कर्ष में कहा गया है केवल प्रशिक्षित शिक्षक कक्षा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, तो ये बात गलत कह दी गई है, गलत ये जो केवल लगा दिया, देखिए केवल मैंने बताया है कि 99% जहां पे केवल लगा होगा वो कथन हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। इसने कहा है कि केवल प्रशिक्षित शिक्षक कक्षा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, तो गलत कह दिया ना, ऐसा तो कथन में कहा नहीं है केवल प्रशिक्षित शिक्षक ही कक्षा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे, तो ऐसा गलत कहा है। फिर कहा है देखिए जिन अध्यापकों के पास शिक्षण अनुभव 1 वर्ष से भी कम है वे उम्मीदवार आवेदन करने के लिए योग्य नहीं है, तो ये दोस्तों सही कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है प्रशिक्षित शिक्षक जिनके पास कम से कम 3 साल का अनुभव हो वे आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो कह रहा है एक वर्ष से भी कम है वो उम्मीदवार आवेदन करने के लिए योग्य नहीं है, तो ये दोस्तों यहाँ पे कम से कम 3 साल के लिए होना चाहिए,
तो इसने तो सही कह रहा ना कि अगर 1 वर्ष से कम उम्र वो उसके होंगे अनुभव के होंगे तो वो आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन नहीं लगा दिया ना, तो ये सही कह रहा है। केवल निष्कर्ष दोस्तों हमारा सेकंड अनुसरण करता है। तो दोस्तों देखेंगे सेकंड अनुसरण यानी कि 158 का हमारा विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पे डी के साथ ही क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 159 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है क्वेश्चन पे कथन पे ये कहा गया है कि मानसून के दौरान बंगलोर की अधिकांश सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। मानसून के दौरान बंगलोर की अधिकांश सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। निष्कर्ष में कहा है कि प्राधिकरण को मानसून के दौरान सड़क की स्थिति खराब होने का कारण पता करना चाहिए। तो ये बात सही है दोस्तों कि प्राधिकरण को मानसून के दौरान सड़क की स्थिति खराब होने का कारण पता करना चाहिए कि भाई सड़क हमारी क्यों इतनी जल्दी ऐसे खराब हो जा रही है, तो इसको पता करना चाहिए। बात सही कह रहा है। फिर कह रहा है प्राधिकरण को सभी गड्ढे भरने चाहिए और मुख्य सड़कों को व्यवस्थित रखने के लिए समाधान ढूंढना चाहिए, ये भी सही कह रहा है। देखिए दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं दिया गया सी पे, तो 159 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और दोस्तों आपको बता दूं कि अगला क्वेश्चन जो होगा वो आज के इस पार्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को ना तो ज्यादा लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं, ना ही दोस्तों अपने मित्रों में इसको भेज करके ना तो शेयर करते हैं ज्यादा, और ना ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमें डिमोटिवेशन मिलेगा, और हम क्या करेंगे कि आगे के और ज्यादा जो वीडियो हमें देनी है दोस्तों हर एक टॉपिक पे वो हम लोग कम अच्छा कर पाएंगे। अगर आप लोग ऐसा करेंगे दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों और हम आपको वीडियो बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें कहा गया कि सभी मोबाइल ब्रांडों में से सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक है। कहा गया है कि सभी मोबाइल ब्रांडों में से सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक है, तो कह रहा अन्य मोबाइल ब्रांडों को मार्केट शेयर प्रचलित है, अन्य मोबाइल ब्रांडों का मार्केट शेयर प्रचलित है, तो ये दोस्तों सही कह रहा है। फिर कह रहा कोई अन्य मोबाइल ब्रांड लोकप्रिय नहीं है, तो देखिए इसने तो कोई और अन्य मोबाइल ब्रांड लोकप्रिय नहीं है गलत कह दिया ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो केवल निष्कर्ष हमारा फर्स्ट अनुसरण करता है, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 160 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन विधिवत तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउटेड हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसका भी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज आपको हमारे चैनल पे हर एक टॉपिक पे वीडियो मिलती रहती है। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इनके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे दोस्तों आपको बता दूं कि सबसे पहले दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो वो बुक मैं आपको निःशुल्क पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो यहाँ पे क्लास करवाई गई है इस क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप पे मिलता रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपके द्वारा किसी भी टॉपिक में कोई भी आपका डाउट एडप्ट भेजा जाता है तो उसको हम लोग क्लियर भी करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों आप लोग ग्रुप से भी जरूर से जरूर जुड़ा करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।